जय हिंद, नमस्कार। एक दुखद घटना श्रीनगर से आ रही है, जहां पे आतंकवादियों से लोहा लेते हुए और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की गोली लगने से एक अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो गए। श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते समय अलवर के रैनी के नवलपुरा गांव के अग्निवीर सैनिक जितेंद्र सिंह तंवर का शुक्रवार शाम को पार्थिव देह गाँव पहुँचा तो उनके दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ भारत माँ के जयकारों की आवाज गूंज रही थी। जवान जितेंद्र श्रीनगर में आतंकियों को खदेड़ने में लगे थे, तभी उनको गोली लग गई। अलवर के रेणी उपखंड क्षेत्र की छिलोड़ी ग्राम पंचायत के नवलपुरा मोरोड़ा कला गांव निवासी अग्निवीर जवान का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया। युवाओं में भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद होने का गर्व भी देखने को मिला। जवान को अंतिम विदाई देने लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और भारत माँ के जयकारे लगाए गए। अग्निवीर जवान जितेंद्र सिंह तंवर की श्रीनगर में आतंकी हमले में शहादत हुई है। अग्निवीर के बड़े भाई मोनू राजपूत ने बताया कि जितेंद्र सिंह श्रीनगर आर्मी के पैरा कमांडो के पद पर कार्यरत थे, जिनकी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी हमले में फायरिंग के दौरान शहादत होने की आर्मी के मेजर कमांडो से सूचना मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार को अग्निवीर जवान का पार्थिव देह गांव पहुंचा। तब पूरे सम्मान से उनको और राजकीय सम्मान और जो सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। क्योंकि ये शहादत आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हुई है, तो इसमें भी सेना पीछे नहीं हटी और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पूरे पैरा कमांडो की एक टुकड़ी वहां पे पहुंची और इस अग्निवीर को राजकीय, राष्ट्रीय और सैनिक सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी। अब सबसे लास्ट में क्वेश्चन यही उठता है कि क्या अब अग्निवीर के जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको पेंशन मिलेगी? क्योंकि इससे बड़ी शहादत नहीं हो सकती। एक सैनिक जिसकी शहादत आतंकवादियों से लोहा लेते हुए समय हुई हो और उसके परिवार को पेंशन ना मिले, तो उस परिवार पर क्या गुजरेगी? ये गम उस परिवार से जिंदगी भर नहीं छूटेगा। हाँ, उनका बेटा तो नहीं गया, लेकिन सरकार को साथ आके खड़ा होना चाहिए, सेना को साथ आके खड़ा होना चाहिए कि अब उनकी परिवार में बेटा तो चला गया, किसी का भाई तो चला गया, लेकिन हम उनका बेटा और भाई बनके आजीवन परिवार को पेंशन देके उनका साथ देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो एक विडंबना रहती है एक अग्निवीर की शहादत के बाद, कि उनके परिवार को 1 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता, ना कोई चिकित्सा सुविधा मिलती है, ना कैंटीन सुविधा मिलती है और ना ही परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है। तो एक तरफ दुखों का पहाड़ और दूसरी तरफ आगे जिंदगी भर ये पहाड़ हमेशा सामने खड़ा रहेगा, क्योंकि इस अग्निवीर के परिवार वाले एक रेगुलर सैनिक जो शहीद हुआ है उसकी तरफ देखेंगे तो उनके परिवार को पूरी सुख सुविधाएँ और पेंशन मिल रही है, लेकिन एक अग्निवीर के परिवार को केवल एक बार 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक मिलेंगे, उसके बाद जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा। सरकार को जो अग्निपथ अग्निवीर स्कीम में तुरंत इस चीज़ को बदलाव करते हुए जो रेगुलर सैनिकों को शहादत के बाद सम्मान मिलता है वो अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को अग्निवीर के सम्मान में शेयर करें। आखिर में हम भगवान से अरदास करते हैं कि इस अग्निवीर को अपने श्री चरणों में स्थान दें और अग्निवीर की आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।